भाजपा की चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज सवाई माधोपुर से हुआ और अब चौथी यात्रा निकल रही है हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी धार्मिक स्थल से। आज चौथी यात्रा है और तमाम जो तस्वीरों में देखने तैयार हो गया है, सीपी जोशी निकल गए हैं, इसके साथ सुमेंद्र सरस्वती उनके साथ हैं, ये पूरी टीम अब निकल गई है। लगातार हर यात्राओं को व्यवस्थाएँ वो देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम स्थल पर निकल जाएंगे। इसके बाद नितिन गडकरी वहाँ हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना करेंगे। सबसे पहले गोगामेड़ी धार्मिक स्थल पर पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करने के बाद ये यात्रा को रवाना कर देंगे। करीब 50 विधानसभा सीटों को यात्रा साधेगी, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, लगातार वो दावा कर रहे हैं कि जो चारों यात्रा हैं ये उनके अश्वमेघ यज्ञ हैं, इसके जरिए वो विजय के संकल्प को निकलेंगे। सुमेंद्र जी बताइए, किस तरह आज की चौथी परिवर्तन यात्रा आपसे निकल रही है, 3 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है, पहले से लगातार 3 यात्रा चल रही है। आप राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को कवर करने के लिए एक विधिवत रूप से 4 यात्राओं का आयोजन किया है। 3 यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं और उनका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है और अभी चौथी यात्रा आज गोगामेड़ी से वीर गोगा की पावन धरा से प्रारंभ होगी और ये बीकानेर और जयपुर संभाग को कवर करती हुई जयपुर पहुंचेगी। पूरे प्रदेश में जो उत्साह का वातावरण बना हुआ है उससे स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पैर उखड़ चुके हैं और ये जो हमारी यात्राओं की आंधी है उसको उड़ा ले जाएगी। भ्रष्टाचार, आतंक, गुंडागर्दी, सरेआम महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अपराध होता है, बेटियों को जला दिया जाता है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ऐसे माहौल के अंदर अब कांग्रेस के प्रति लोगों में घृणा का भाव पैदा हो गया है और कांग्रेस खत्म है ये मानिए आप। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 2023 के चुनाव में जीत करके आएगी और फिर अपनी सरकार बनाएगी। आपने भी एक बयान देखा होगा जो अलायंस बना है उसमें स्टालिन है, जो कहते हैं सनातन धर्म तो डेंगू की तरह है। नहीं, कारण है कि जिसकी मुखिया ही ईसाई हो, स्टालिन और उसका बेटा दोनों ईसाई हैं, हिंदू संस्कृति से, भारतीय वैदिक संस्कृति से उनका कोई लेना देना नहीं है, सोनिया गांधी का उनको संरक्षण है और इसलिए अब तक सोनिया गांधी का कोई खंडन नहीं छपा है। धन्यवाद।